वैज्ञानिकों ने एक और नया एक्सो प्लैनेट खोज लिया जिस पर हम रह तो नहीं सकते लेकिन इस ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जान सकते हैं। इस एक्सो प्लैनेट का नाम है GJ3470V। इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी पाई गई। इसे हॉट नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है जो पृथ्वी से लगभग 96 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। यह ग्रह अपने तारे के काफी करीब है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है। इसकी सतह का तापमान बहुत ही गर्म है जो इसे हमारे सौरमंडल में स्थित नेपच्यून से काफी अलग बनाता है। GJ3470V अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसका वातावरण तेजी से तारे के विघटन के कारण नष्ट हो रहा है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। GJ3470V के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अभी तक सल्फर डाइऑक्साइड बड़े और ठंडे ग्रहों में ही पाया जाता है, लेकिन इस हॉट नेपच्यून में सल्फर डाइऑक्साइड का मिलना यह दर्शाता है कि यहाँ पर विशेष रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। इस खोज को अंजाम दिया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, जिसने वैज्ञानिकों को इस ग्रह की रासायनिक संरचना के बारे में नई जानकारी प्रदान की है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इस ग्रह पर सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के टूटने से बनता है जो कि इस ग्रह के तारे के अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होता है। यह प्रक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं से हमें इस ग्रह के वायुमंडल की जटिलता और इसकी संरचना के बारे में अधिक जानकारी मिलती है और इस ग्रह पर जलवायु और पर्यावरण भी मौजूद हो सकता है। इस ग्रह का परिक्रमा पथ अन्य ग्रहों की तुलना में काफी अलग है। यह ग्रह अपने तारे के बहुत करीब स्थित है। इसका वायुमंडल तारे के विकिरण के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इस खोज से हमें ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के वायुमंडल और रासायनिक संरचनाओं के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। हमारे सौरमंडल के बाहर ग्रह कैसे बनते हैं और बदलते हैं यह समझने में हमें यह काफी मदद करता है। बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सो प्लैनेट हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। अभी तक वैज्ञानिक 4000 से भी अधिक एक्सो प्लैनेट की पुष्टि कर चुके हैं जिनमें से कुछ पृथ्वी के काफी करीब हैं और कुछ काफी दूर। इस वीडियो को आप लेफ्ट साइड में क्लिक कर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें।